हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बेबी फ्रॉग जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है, हाफ मीटर फैब्रिक में आपका इजी ये फ्रॉक बन जाएगी। तो इस तरीके से डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है मैंने, और अब मैं इसे फोर फोल्ड कर दूंगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो फोर फोल्ड होने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच की हो जाएगी और लेंथ जो है वो 9 इंच है। तो उस सबसे पहले मैं अपने तीरा ले लूँगी। तो बन साइड की तरफ से आपको 4 इंच इस तरीके से मार्क करना है, ये तीरे का है, और 4 इंच आर्म होल का मैं लूँगी कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से एल शेप आपको बना देना है। तो एल शेप जब बनाना है वो आपको खुली हुई साइड में बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, और एक राउंड शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना जो चेस्ट का एरिया है वो 6 इंच लूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा कपड़ा 6 इंच का है, तो मैं 6 इंच ले लूँगी। तो यहाँ से मैंने आर्म होल कट कर लिया है, अब मैं इसका नेक कट करूँगी। तो दोनों बैक एंड फ्रंट का नेक मैं 2 इंच की चौड़ाई लूँगी और 2 ही इंच की लेंथ में लूँगी मैं इसे, और इस तरीके से बॉक्स बना के और एक राउंड शेप दे दूँगी बन साइड की तरफ से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से भी मैं इसे इसी तरीके से कट कर लूँगी अपने नेक को। तो दोनों ही बैक एंड फ्रंट का नेक इस तरीके से कट हो जाएगा और हमारी जो चोली है वो बन के तैयार हो जाएगी। नीचे से भी मैं इसे अलग कर लूँगी फ्रंट एंड बैक को। तो कुछ इस तरीके से ये 2 पार्ट में रेडी हो जाएगा कट के, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं एक पीस लूँगी और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद बीच में से 2 पीस कर दूँगी इसके। तो ये हमारा फ्रंट पीस हो जाएगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद मैं बैक पार्ट लूँगी और 2 इंच का इसमें कट लगाऊँगी जिससे बच्चे के गले में आने में परेशानी ना हो। तो 2 इंच का इस तरीके से आपको कट लगा देना है, ये देख सकते हैं। उसके बाद नीचे का जो बॉटम है वो मैंने इस तरीके से 2 लेयर में लिया है, ये आपको दिखा दिया है मैंने। और उसके बाद जो इसकी जो चौड़ाई है वो 27 इंच ली है मैंने, और जो लंबाई है इसकी वो ली है मैंने 10 इंच, तो कुछ इस तरीके से। और एक पार्ट को मैं इसे हटा दूंगी और दूसरे पार्ट को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूंगी और बीच में से 2 पीस कर दूंगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप 2 पीस हो गए हैं हमारे। तो अब मैं अपनी स्टिचिंग की तरफ बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले जो हमने 2 इंच का कट लगाया था, यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी कुछ इस तरीके से और इसकी चारों तरफ स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है और बीच में एक कट लगा दूंगी कुछ इस तरीके से, और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए आपको स्टिच कर देना है बहुत ही फिनिशिंग से। आपका ये जो वी प्लेकेट है इस आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से, अंदर की साइड आपकी राइट साइड होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ शोल्डर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है शोल्डर को। फिर नेक्स्ट जो है हमारा नीचे का पार्ट आ जाता है बॉटम का। तो बॉटम में आपको इस तरीके से 1-1 इंच की प्लेट्स देनी है कुछ इस तरीके से। तो ये हाफ बॉटम है, ध्यान रखें आप, एक बॉटम में आपको इस तरीके से प्लेट्स देनी है और जो जितना आपकी चोली है उसी हिसाब से आपको इसमें प्लेट्स दे देनी है। तो यहाँ पे मैं पूरे में ही प्लेट्स दे दूंगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो चोली के बराबर ही आपको इसे नीचे के बॉटम को रखना है। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरीके से ऑल पिन से सिक्योर कर दिया था, दोनों ही प्लेट्स को डाल दिया है, उसके बाद स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच भी कर लिया है, अपनी प्लेट्स बिठा दी हैं। उसके बाद मैं चोली के ऊपर इसे इस तरीके से रखूँगी और स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट को। उसके बाद मैं एक स्ट्रिप लूँगी 1 इंच चौड़ी और उसे स्टिच करके पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी एक साइड में। तो यहाँ पे मैंने इसे पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ये देख सकते हैं एक साइड में। तो दूसरी तरफ में भी मैं इसी तरीके से डबल फोल्ड करके इसे इस तरीके से स्टिच करूँगी इस पट्टी को ही। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। उसके बाद जब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे तो इसे ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर देंगे, तो ये दोनों जॉइंट एकदम स्टिच हो जाएंगे और बीच में हमारी एक पट्टी आ जाएगी ब्लैक कलर की। तो अब मैं बैक पार्ट में भी इसी तरीके से 1-1 इंच की इस तरीके से प्लेट्स दूंगी और पूरे चोली के ही हिसाब से अपने इसे बॉटम को स्टिच कर लेंगे। तो आपकी जितनी चोली होगी इतने ही हिसाब से आपको इसमें प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले नीचे की पार्ट में प्लेट्स डालनी है, तो इस तरीके से मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी हैं। उसके बाद मैंने इसे पे आयरन भी कर लिया था आप लोगों को फिनिशिंग से दिखाने के लिए। उसके बाद मैं चोली के ऊपर रखूँगी इसे और इसे स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो अंदर की साइड आपकी राइट साइड होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसका नेक बनाऊँगी। तो नेक बनाने के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली है और इसे मैं इस तरीके से पूरे राउंड नेक में स्टिच कर लूँगी। नॉर्मल स्टिच करनी है आपको, तिरछी पट्टी लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, सीधी पट्टी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये देख सकते
सकते हैं। अब जब मैं इसे अंदर की तरफ रॉन्ग साइड पे टर्न करूँगी इस पट्टी को, तो थोड़ा सा पाइपिंग आपको निकालनी है, वो आपकी चॉइस है, चौड़ी या पतली आपको पाइपिंग निकालनी है, तो मैं थोड़ी सी चौड़ी इसमें पाइपिंग निकालूंगी। तो अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करूँगी और ऊपर की तरफ इसके स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर दिया है गाइज, ये देख सकते हैं। अब मैं आर्म होल के लिए भी तिरछी पट्टी लूँगी और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करती हुई इस पर स्टिच लगा दूँगी, कुछ इस तरीके से आपको डबल करना है इस पट्टी को और उसके बाद इसे स्टिच करते चले जाना है। और सेकंड आर्म होल पे भी आपको इसी तरीके से पट्टी लगा देनी है और स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल की भी पट्टी लग चुकी है, ये देख सकते हैं। अब मैं नीचे की तरफ इसमें यहाँ पे बॉर्डर लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये सीधी पट्टी ली है मैंने, तिरछी पट्टी नहीं ली है। तो ये कुछ इस तरीके से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने और इसे भी मैंने आर्म होल की तरह ही लगाएंगे। तो इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और राइट साइड पर इसे इस तरीके से रखते हुए और स्टिच करते चले जाएंगे, ये देख सकते हैं। लेकिन आपको डबल फोल्ड करना है, ये ध्यान रखें, खुला हुआ ऐसा नीचे की तरफ होना चाहिए जहाँ जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और बैक पार्ट पे भी मैं इसी तरीके से डबल फोल्ड पट्टी को इस तरीके से रखूँगी और इस पर स्टिच करती चली जाऊँगी पूरे ही घेर पर। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं स्टिच कर लिया है मैंने। अब मैं इसे राइट साइड पे जब टर्न करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से फिनिशिंग से हमारी ये जो बॉर्डर है ये लग के तैयार हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो बैक पार्ट पे भी मैंने इसी तरीके से लगा दिया था। अब मैं रॉन्ग साइड पर इसे टर्न करूँगी और साइड की स्टिच दे दूँगी इस पर। तो यहाँ पे मैंने जो है ये देख सकते हैं दोनों तरफ आपको स्टिच दे देनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने स्टिच दे दी है, ये देख सकते हैं आप। और बैक नेक पे जो हमने कट बनाया था वहाँ पे आप एक बटन लगा सकते हैं, और जो सामने का हिस्सा है जो पट्टी है इस पे भी आप बटन लगा सकते हैं शो के। इससे आपके बेबी की जो फ्रॉक है वो उसमें और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी, ये देख सकते हैं गाइस कितनी खूबसूरत ये फ्रॉक लग बनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।